हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज फाइनली मैं नेदर में जाने वाली हूँ, और वो भी नेदर फोर्ट्रेस के लिए, क्योंकि ऑलमोस्ट वन ईयर होने को है आई थिंक, और मैं अभी तक मुझे नेदर फोर्ट्रेस नहीं मिला बेसिकली, मतलब मैंने ढूंढा नहीं आज तक, क्योंकि नेदर में अभी मैं रिसेंटली गई हूँ, तो कैसे ढूंढ सकते हैं। सबसे पहले तो ऊपर चलते हैं, और मैं एक सेकेंड यार, ओके। हाँ, तो ये कह रही हूँ कि मतलब अभी नेदर में तो अभी रिसेंटली मैं गई हूँ, तो ढूंढ तो पाती नहीं इसके पहले, और अभी तक तो मुझे सिर्फ बैशन ही मिला है। तो देखते हैं आज चल के कि मिलता है कि नहीं। और हाँ, एक और चीज़ मैं सोच रही हूँ ना, कि यहाँ पे एक ब्रिज बनाया जाए। तो आप बताइएगा आपको कैसा लगा ये आइडिया, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, तब फिर मैं देखूँगी, ठीक है? ओके, सो जिन्होंने मेरा ये वाला वीडियो नहीं देखा जब मैंने ये बनाया था, ये अपार्टमेंट, तो उनके लिए है ये कि ये है मेरा फर्निश रूम, और इसको बंद करते हैं और नीचे चलते हैं यहाँ से। मुझे नहीं पता मैं यहाँ पे क्यों आई हूँ, लेकिन जब आ गई हूँ तो थोड़ा दिखा। और ये रहा मेरा चेस्ट रूम, और इसमें आई थिंक कॉबल स्टोन, ओके, इसमें कुछ नहीं है। और इसमें ओ यार, मैं तो एकदम भूल ही गई थी इसको, कि मैंने यहाँ पे रखा हुआ ये सब। ओके, वो जो मैंने प्लेन्स बायोम को चेंज किया था, तो उसका सारा आइटम मैंने यहाँ पे रखा, और मैं इसको एकदम ही भूल गई थी। ये भी सही है। ओके चल, ओके यार ये सब आ रहे हैं, इसे बंद करते हैं। ओके चलो, अब यहाँ पे आ सोते हैं। पूरी भाई ये क्या बदतमीजी है, गजब है। मतलब ये सब अंदर कैसे आए, वो तो गेट बंद था ना। भाग जाओ। ओके, मैंने सोचा कि नहीं आ पाएंगे ये, तो आज हम यहाँ पे सोएंगे अपने न्यू घर में। तो सुबह हो गई है, और यार ये मेरा सबसे फेवरेट रूम है अभी तक का। मतलब ये ब्लैक ग्लास के थ्रू क्या दिखता है यार, बाहर का सीन मस्त एकदम अच्छा लगता है। ओके, यहाँ से नीचे उतरते हैं और चलते हैं बाहर, और जो जो चीज़ों की मुझे ज़रूरत है उसे लेते हैं नेदर में जाने से पहले, और फिर जाके ये क्यों घूम रहा है, इसको चक्कर आ रहे हैं क्या, इसको हटाते हैं। ओके, और हाँ, ये बैम्बू देख के मुझे कुछ और याद आ गया, मैंने एक मतलब वो मैं बाद में बताऊंगी, ठीक है चलते हैं। और ये क्या दे रहा है, बकवास चीज़ है, चलो हटाओ। ओके, तो मैं सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें ले लेती हूँ जो जो मुझे लगता है कि ले जानी चाहिए, और फिर मिलती हूँ आपसे 2 मिनट के अंदर। ओके, तो मैंने काफ़ी हद तक चीज़ें ले ली हैं जो जो मुझे लगता है कि ज़रूरत पड़ेगी उसकी नेदर में, तो चलो फिर चलते हैं ऊपर वाले का नाम लेके, कि पिछली बार की तरह ना हो। और हाँ, पिछली बार से याद आया कि मैंने बोला था ना कि मैं कॉबल स्टोन का चेंज कर दूंगी, और मैं इतने दिन से जब भी मुझे टाइम मिलता था मैं यही सब करती थी, तो मैं दिखाती हूँ। ओके, तो ये रहा मेरा मेहनत, क्योंकि इसके पहले जितनी भी घास थी ना, वो यहाँ पे भी स्पॉन हो रही थी, इसलिए मैंने इसको पूरा ढक दिया। और ये मेरे 2-3 एलीज यहाँ पे हैं, मुझे नहीं पता कैसे, और पिक्स भी यहाँ पे घूम रहे हैं। तो चलो दिखाते हैं और कि मैंने कितना किया है। और रूम लाइट को भी मैंने यहाँ से ला के लगा दिया। और जब मैं ये कर रही थी तो मुझे यहाँ पे एक ये मिला, मुझे नहीं पता कि 86 पे भी मिलता है, तो मैं उसे वापस लेना भूल गई। और ये रहा सबसे ज़्यादा मेहनत इसको करने में लगा, क्योंकि जितना घास अंदर नहीं स्पॉन हो रहा था उतना तो बाहर, और ये वही जगह है जहाँ से मैं गिरते गिरते बची थी, तो भाई इसीलिए मैंने इतना सब कुछ कर दिया। और यहाँ पे इतने सारे घास आ रही थी, बाप रे, बनाते वक्त तो दिमाग ख़राब हो गया, और ये अलग दिमाग ख़राब, ये जो जितना भी पैचेस दिख रहे हैं ना, ये सब घास की वजह से हुआ है। ओके, तो टोटम को ले लेते हैं हाथ में, और अंडर पर्ल को यहाँ पे कर देते, क्योंकि अगर कहीं लावा में अगर बाय चांस गिरने वाली हुई तो उसको फेंक के बच जाऊँगी। और मैं सोच रही हूँ ना कि इधर से चलते हैं, क्योंकि और इधर उधर कहीं जगह ही नहीं, सब जगह लावा पुल है, तो इधर ही थोड़ा सा मुझे जगह दिख रहा है, यहाँ तो बैशन है अपने आपको तो पता ही है। और इधर से चलते हैं, देखते हैं कि आज कितना टाइम लगता है फोर्ट्रेस ढूंढने में। आई होप कि जल्दी मिल जाए, जैसे बैशन मिल गया था बिना ढूंढे, वैसे ही वो भी मिल जाए। वैसे ढूंढ तो रही हूँ, मिल जाए तो बढ़िया ही है।
और ये रहा मेरा बैशन, और इसमें दो तीन गोल्ड के ब्लॉक्स दिख रहे हैं। ओके, और ये रहा मेरा पोर्टल जो पीले आउटपोस्ट के पास जाता है। तो मैं सोच रही हूँ ना कि यहाँ से इधर से पहले देखते हैं इधर से जगह है या नहीं। नीचे देखते हैं। ओह शिट भाई यार, हर जगह ही लावा ही लावा है, कहीं तो अच्छी जगह मिल जाती अगर मैं यहाँ से गिरी। और सबसे पहले तो यहाँ से हटते हैं वरना इन सबका कभी भी मूड घसक जाए, और अगर इन्होंने एरो चला दिया तो मैं तो पक्का गिर जाऊँगी। और मैं सोच रही हूँ ना कि इधर से चलते हैं, इधर से ज़्यादा मतलब यहाँ से नहीं, मतलब इसके अंदर से डिग करते हुए चलते हैं, ताकि थोड़ा सा नीचे जब पहुँचूँ तो फिर बाहर से देख लूँगी जितना होना है। तो यहाँ से डिग करते हैं और अंदर थोड़ा सा किनारे ही करती रहूँगी, वरना पता चला अंदर ही गुम हो गई तो फिर वापस आना पड़ेगा। इधर से यार बाहर से दिखना चाहिए ना, यार बाहर वाली जगह भी थोड़ी सी खोल देते। ओके दिख गया, यहाँ पे इसको हटाते हैं और इसको हटाते, थोड़ा और नीचे चलते हैं। और अगर यहाँ से नो वे मर जाए भाई, कितना कसम से 2 मिनट के लगा कि एरो मेरे अंदर से कहाँ से निकल रहा है, आई मीन वो क्रॉसबो। भाई गॉड, डरा दिया एकदम। अच्छा वो उसने मारा नहीं, पता नहीं क्यों आके बस खड़ा होकर देखा। भाई इन लोग का अलग ही लगा रहा था यार, वैसे यहाँ से गिरती मरती नहीं, फेदर फॉलिंग 4 है, फिर भी यार अचानक से आएगा तो डरूंगी। ओके तो मैं ना सोच रही हूँ कि थोड़ा दूर जाके फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ओके गाइस, मैं ज़्यादा दूर नहीं लेकिन तब भी काफ़ी दूर आ गई हूँ, और मैं यहाँ से सोच रही हूँ मैं किस साइड से जाऊँ। इधर तो ठीक ठाक ही है और इधर बहुत ज़्यादा लावा, और मैंने कभी एंडरपल यूज़ नहीं किया है तो नेदर में, तो बहुत डर लग रहा है। मैं सोचूँ यहाँ पर चलते हैं। ओ भाई कसम से मुझे इतना डर लग रहा था ना कि मत ही पूछो। तो चलते, अरे यार नहीं, एक वेस्ट हो गया, शिट। कोई नहीं, चलो एंडरमैन दिखेगा तो मार ही देंगे। और कितना लावा यार, इसलिए मैं उस साइड नहीं गई क्योंकि उधर लावा पूल था और इधर भी तो कुछ कम नहीं है। ठीक है, यहाँ से इसको यहाँ पे लगाते हैं, यहाँ से ऐसे और इसके ऊपर चलते हैं और यहाँ से ऐसे। ओके, और मेरी एली कहीं जल रही है। अरे यार ये सब ना, मैं मुझे नहीं पता था कि नेदर में पहले से ही है, वरना मैं इनको भी लेके रख देती। ठीक है, यहाँ से चलते हैं ऊपर, आई होप ऊपर रास्ता हो। यहाँ से ब्रिजिंग करते हुए चलते हैं, और ये मेरा ख़त्म हो गया, इसको लेते हैं यहाँ से। ओके चलो, यार यहाँ जगह नहीं है, थोड़ा सा पीछे चलते हैं। आई थिंक इतना सही है, 2 ब्लॉक और करते हैं, 1 और ये 2, चलो इतना सही है। अब यहाँ से ऊपर चलते हैं। अरे यार ठीक है, इसको तो हटा ही लेंगे। ओके भाई, एरो कहाँ से आया? वो उसे मारा, मुझे लगा मुझे किसी ने मारा। भाई इतनी ऊपर से मत गिरा ना यार, पिछली बार की तरह। चलो यहाँ से जल्दी भागते हैं ऊपर, और थोड़ा और ऊपर डिग करते हैं, बस लावा ना आ जाए मुंह पे, वरना तो यहीं जिंदा जल के राख हो जाऊंगी। ठीक है, यहाँ से चलते और ऊपर। ओ इसको भी करते हैं ऐसे। ओ नहीं 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 नहीं, हट जा हट जा हट जा, प्लीज़ यार हटो, हटाओ इसको जल्दी से। ओके भाई, बस 1 ब्लॉक की दूरी पे था। ओके इधर से चलते हैं, इधर से रास्ता दिख रहा है मुझे। ओके भाई कितने सारे हैं, मुझको मारेंगे ना। ओके आई डोंट थिंक इसने मुझे देखा। ओके ये एरो लेके आ गया, मुझे लगता है कि वो लेके आ गया। ठीक है, मैं यहाँ से निकल के आपसे मिलती हूँ 2 मिनट में। ओके गाइस, फाइनली आप मेरा कोऑर्डिनेट देख सकते हैं कि मुझे कितना ज़्यादा टाइम लगा, और मुझे ऑलमोस्ट 1200 ब्लॉक्स दूर आने पड़े। और बाय गॉड, इतना मुझे तो लगा था मेरे वर्ल्ड में ना है ही नहीं फोर्ट्रेस, लेकिन थैंक गॉड मिल तो गया। तो चलो यहाँ पे तो ये है ना, इसे क्या बोलते हैं यार नेदर वॉट, अब तो इससे पोशन भी बना सकते हैं। बढ़िया हुआ ये मुझे पहले ही मिल गया, क्योंकि मुझे इसके बारे में याद नहीं था। ठीक है, वैसे कहीं ना कहीं दिख ही जाता, इसे ले लेते हैं। वैसे 2-3 ही मिल जाए वो भी काफ़ी है, बट मैं सोच रही हूँ कि यहाँ से जितने भी हैं सब ले लेते हैं। इसको भी लो, इसको भी लो,
इसको भी। और भाई कसम से ये ना फोर्ट्रेस इतना ज़्यादा दूर है, तो अब मैं यहाँ पे बार बार तो आने वाली नहीं हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि जब मैं मुझे मिलेगा ब्लेज रॉड, तो मैं एक स्टैक लेकर ही जाऊँगी यहाँ से, क्योंकि बार बार कौन आएगा इतना दूर यार, इतना डेंजरस है वो भी, हर तरफ लावा पूल। मैं कैसे कैसे आई हूँ मैं ही जान रही हूँ। ओके, और बीच बीच में इनका दिमाग घूम जाता है, रह रह के पीटने लगते हैं, मार पीट करने लगते हैं। ओके, इधर कुछ नहीं है, इधर चलते हैं। इधर भी कुछ नहीं है, इधर भी कुछ नहीं है, इधर क्या है? ओके, यहाँ पे थोड़ा और ऐसे भी ले लेते हैं। नाइस, इसको लावा को हटाते हैं पहले। यहाँ पे ब्लॉक, यहाँ पे ओह शिट यार, सारा भस्म हो गया। कोई नहीं, साइड वाला नहीं, इधर ध्यान से करते हैं। यहाँ पे ऐसे, वैसे अगर मैं इसे नहीं भी लूँ तो भी चल जाएगा, लेकिन अब दिख गया है फ्री फंड का तो ले ही लेते हैं। ओके, ले लो जल्दी से। ओके, अब चलते हैं इधर से ऊपर, ऊपर चल के देखते क्या है। और इधर तो कुछ नहीं है, इधर तो रूफ आ गई। इधर कुछ रास्ता दिख रहा है। भाई कितना डरावना है ना, ऐसा डरावना जैसा लग रहा है, कुछ दिख नहीं रहा। ओके, एक है पिगलिन, इसको तो क्या ही मारे कोई। और इधर चलते हैं, आई होप इधर आगे और रास्ता हो जाने को। भाई ओ शिट, मुझे कुछ दिखा मुझे। ओ भाई यहाँ पे भी, एक मिनट, भाई मेरे हाथ में टॉर्च क्यों थी? ओ, हमें पहला ब्लेज रॉड मिली। यहाँ पे तो स्पॉनर भी नहीं है, आया कहाँ से? भाई जो भी है, एक तो मिल गया ब्लेज रॉड। ओके, एक और आ गई यार, इधर कहीं स्पॉनर तो नहीं है ना? भाई एक मिनट, ओके चलो मारो। ओके, इसने नहीं दिया। और वहाँ पे मुझे वेदर स्केल्टन भी दिख रहा है, चलो अगर उसको मारने के बाद मुझे अगर मिल जाए स्केल्टन स्कल, तो क्या ही हो जाएगा, मेरा बीकन बन जाएगा। चलो देखते हैं। ओके, किधर गया बे? इधर ही तो था, रिस्पॉन हो गया क्या? अरे यार, इसने डरा दिया मुझे। और छुटकू कहाँ जा रहे हो अपनी मम्मा के साथ? ओके, नीचे तो नहीं, आई थिंक वो डिस्पोन हो गया। ओके, चलते हैं देखते हैं। और यहाँ पे अगर ऐसे ही स्पॉन हो तब तो काफ़ी कूल है ना, क्योंकि फिर मुझे ढूंढना नहीं पड़ेगा। और इधर देखते हैं क्या है, स्पॉनर की ज़रूरत ही क्यों पड़ेगी जब यहाँ यहीं से कंप्लीट हो जाएगी। यार कैसा कैसा साउंड आ रहा है, कसम से मुझे लगा मेरे पीछे कोई है। भाई वो इसको हटा के देखते हैं, इसके अंदर कुछ है? कुछ नहीं है। इसको देखते हैं। ओके, अंदर तो ब्रिक्स दिख रही हैं। भाई लैग जो करता है ना जब नेदरक तोड़ने पे, कि क्या ही बताऊँ। ओके छोड़ो, ऊपर ऊपर देखते हैं, ऊपर कहीं स्पॉनर तो नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे दो तो आई है अभी तक। मुझे नहीं लगता कि ऐसे खुले में भी इस पे होगा। ओके देखते, ओ भाई तो यहाँ पे तो, भाई ये तो काफ़ी अच्छा है कि मुझे, ओ शिट, मुझे लगा भाई कसम से गलती से लग गया, मुझे लगा कि ये आ रही है, मैंने तुरंत स्वॉर्ड बजा दी और वो था। ओके, इसने दो दे दिया और वहाँ पे मुझे फिर से दिख गया। नहीं यार, ये गायब क्यों हो जा रहा है? जब तक मैं, बस मेरी नज़र पड़ रही है और गायब। देखो यार, ऐसे कैसे मिले? और यहाँ पे फिर से दो स्पॉन हो गए, ये अच्छा है यार। ये मतलब यहाँ पे तो स्पॉनर की ज़रूरत नहीं है, बढ़िया है। मुझे फ्री फंड के वन स्टैक तो जल्दी ही मिल जाने चाहिए इस हिसाब से तो, लेकिन नहीं, क्योंकि दोनों में से किसी ने कुछ नहीं दिया, सिर्फ चार ही हुए अभी तक मेरे पास। ओके, एक और स्पॉन हो गई उस साइड। और ये जो बीच में घूम रहा है ना, इसने अलग दिमाग ख़राब किया है। इसको बंद करो, बंद हो जा भाई। ओके ओके, चलते हैं यहीं से, बो से मारते हैं, क्योंकि ना यार बो से मारने पे तो वो ब्लेज रॉड गिराएगी नहीं, क्योंकि इसमें लूटिंग थोड़ी लगी होती है, तो मुझे स्वॉर्ड से ही मारना पड़ेगा। बंद हो जाए यार, दिमाग ख़राब। ओके, तो देखते हैं आगे कितना है कितना नहीं, और इसको बुझाते हैं। और ओके, जब इधर जा रही हूँ तो उधर स्पॉन हो रहा है, उधर जा रही हूँ इधर स्पॉन हो रहा है, इधर से उधर दौड़ा रहे हैं सब, मर जाना। ओके, इसने भी नहीं दिया भाई, ये लूटिंग वूटिंग कुछ काम करने यहाँ पे कुछ भी नहीं।
ओके, मेरे पास सिर्फ 7 पोस्ट जॉब ही बचे हैं। वैसे मेरे पास गोल्डन कैरेट भी, और वो रहा वेदर स्केल्टन। इस बार तो बोस ही मारूंगी इसको, डिस्पॉन होने का मौका ही नहीं दूंगी। और इस बदतमीज को देखो आके आगे खड़ा हो गया, कितना बदतमीज है कसम से यार। वो दोनों मर गए पर मिला कुछ भी नहीं, किसी ने कुछ नहीं दिया, इसने बस बोन और स्वॉर्ड गिराई है। यार ऐसे कैसे मिलेगा, यहाँ पे टॉर्च लगा दूँ क्या? ओके ओके, इधर कहीं तो स्पॉनर तो मुझे तो नहीं दिख रहा। ओके कोई नहीं, उधर ही चलते हैं। जब उधर ही स्पॉन हो रहे हैं तो भले स्पॉनर ना दिखे तो क्या हुआ। ओके यहाँ पे मुझे दिख गया। ओके आई थिंक आपको भी दिख गया होगा। और इस चोर को देखो कैसे इसके पीछे छुप रहा है, जैसे मुझे दिख ही नहीं रहा। पता नहीं यार इसने लगा लिया वेदर्ड। ओके दिया तो नहीं, और इधर फिर से स्पॉन हो गई है। चलो पीटते इसको भी भाई, ये जब आग लगा दे रही है ना तो कुछ भी दिख नहीं रहा। ओके ये सही है कि तुरंत ख़त्म भी हो जा रहा है उसका फायर का वो। और एक बाहर है यार, उसको अगर मारूंगी तो उधर ही चली जाएगी। कहाँ गया? अरे नहीं यार पीछे से, ये तो गलत बात है, पीछे से क्यों मारते हैं सब? अभी तो आगे थी तो पीछे से पता नहीं कहाँ से आ गया। आओ तुम्हारी ऐसी की तैसी मरो। ओके ये इसने दो दो, ये अच्छा है, मतलब 4-5 अगर आ रहे हैं तो उसमें 2 या 3 मिल रहे हैं, ये भी अच्छा ही है। ओके इधर चलते हैं, बस मेरा ये काम है इधर दौड़ो फिर उधर दौड़ो। तो हाँ देखो वो उधर स्पॉन हो गई है, उधर चलते हैं। वो भी दो दो, कोई बात नहीं मरो तुम भी मरो। यार कुछ भी दिख नहीं रहा यार कसम से, मजा भाई। ओके इसने दिया, मैंने देखा इसने, ओके इसने भी 2 दिया, नाइस। कितना हुआ देखते हैं कितना हुआ। ओके एक उधर भी आ गई है, उसको मार के फिर देखते हैं। मजा तुम यार, हर जगह आग लगा दी है इन्होंने। बुझ जा इधर, बुझ जा। ओके गाइस तो मैं ये सोच रही हूँ ना कि मतलब ये ऐसे इधर उधर दौड़ाते रहेंगे तो ये दिखाना काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो अब जब एक स्टैक हो जाएगा तब मैं आपसे मिलती हूँ, देखते हैं कितना टाइम लगता है। ओके गाइस मैं अभी जस्ट एक सेकेंड, बस 2 मिनट दीजिए मुझे। ओके मैं यहाँ पे थोड़ा सा वहाँ से हटके थोड़ा सा आगे आई थी, और क्योंकि वहाँ पे थोड़ा स्लो स्पॉन हो रहे थे तो मैंने सोचा थोड़ा और देखते हैं। और यहाँ पे मुझे एक स्कल मिल गया यार। 2 सेकेंड दे दो, 2 सेकेंड बस। ओके इसने भी दे दिया यार, बात ही नहीं पूरी होने दे रहे हैं। ओके और कोई नहीं ना है। ओके तो मुझे एक वेदर स्केल्टन स्कल भी मिल गया। वैसे मैंने काफ़ी मतलब 20 तो मारे ही होंगे तब जाके मुझे एक मिला है। और अब मैं सोच रही हूँ कि बस 2 ही तो और बाकी है तो उसे भी लेके चलते हैं। एक स्टैक ब्लेजर तो ठीक ही है, और इनका तो मतलब ज़्यादा दिक्कत नहीं है क्योंकि ये तो काफ़ी जल्दी जल्दी स्पॉन हो रहे हैं। और वो भी स्पॉन तो हो ही रहे हैं पर बस दे नहीं रहे ना, तो उसकी तो बात ही अलग है कि यहाँ पे एक ही चेस्ट है यहाँ पे। कुछ नहीं। ओके यहाँ पे 2-2 है, मारो निकलो जल्दी निकलो। अरे नहीं यार तुम लोग एक साथ मत आया करो। ओके तुम भी मरो, ये तो अलग नरक मचा दिया है। ओके बस 2 सेकेंड दे दो मुझे, फूड खाने दो। ब्लैक ब्लैक में ना कुछ दिख भी नहीं रहा है कि कितना हार्ट है कितना नहीं। ओके इस साइड भी है, इसे मारते हैं यार। एक ब्लेज के साथ एक स्केल्टन मुफ्त मिल रहा है, और ये क्या है भाई, इसका फेस कुछ अजीब नहीं है? जो भी है बट सच में कुछ अजीब है। और इधर रास्ता बंद है। ओके देखते हैं इधर क्या है इसको टिक करके। ओके आई डोंट थिंक इधर कुछ है, तो चलो इधर भाई। ये 2 सेकेंड मुझे शांति से नहीं रहने दे। देखो एक मैंने बोला ना, एक के साथ एक फ्री है, एक आ रहा है तभी दूसरा भी आ रहा है। ओके तो मैं 1 स्टैक करके फिर मिलती हूँ आपसे, देखते हैं कितना टाइम लगता है। और अब तो स्केल्टन स्कल भी कलेक्ट करना है, देखते हैं कितना टाइम लगता है। मिलती हूँ आपसे 2 मिनट के अंदर। ओके गाइस तो मेरे पास एक स्टैक तो हो चुका है। एक सेकेंड मुझे बात पूरी नहीं करने देते हैं ये सब, तुम भी मरो। ओके मेरे पास एक स्टैक तो वो हो चुका है, और कुछ और भी मेरे पास हो चुका है, और वो है स्कल, वो भी 4। तो अब मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ पर रुकना चाहिए, और मुझे बाहर का रास्ता देखना चाहिए। इसमें क्या है, कुछ नहीं है। ओके तो मुझे बाहर का रास्ता ढूंढ के चलना चाहिए क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया। ओह यहाँ पे
यार ये सब तो जीने नहीं देंगे। व्हाट रिबार्मा ट्रिम? यार ये फोर्ट्रेस में भी ट्रिम मिलता है, ये तो मुझे पता ही नहीं था। और अच्छा हुआ कि यहाँ पे मुझे चेस्ट दिख गई, वरना अगर ऐसा तो मैंने ज़्यादा ढूंढा ढांडी नहीं करी अंदर कि हाँ चलो चेस्ट ढूंढते हैं। और ये यहाँ पे अच्छा हुआ कि मुझे मिल गया, वरना एक ट्रिम तो ऐसे ही चला जाता। ओके तो ठीक है, तो मैं यहाँ से निकल के फिर आपसे मिलती हूँ। ओके गाइज, मैं काफ़ी हद तक आ तो गई हूँ और फिर भी मुझे मिल नहीं रहा है मेरा पोर्टल। और इधर से मैं आई रही थी, यहाँ पे इतने घास थे और यहाँ पे मुझे एक पोर्टल दिख गया। अगर ये पोर्टल मुझे फोर्ट्रेस के पास मिला होता ना, तो बाय गॉड मैं वहाँ पे पोर्टल बना के निकल लेती, क्योंकि इतना ज़्यादा दूर था ना, आते आते दिमाग ख़राब गया। ये तो कहो कि इतने सारे वहाँ पे वो थे, वरना मेरा फूड वोट का सब वो हो जाता, मैं वहीं मर जाती। वैसे मेरे पास गोल्डन कैरेट है, लेकिन ठीक है, पोक चॉप भी मिल गया रास्ते में काफ़ी सारे। ओके इसको ले लेते हैं, मेरे पास जगह नहीं है। ओके इसकी चेस्ट कहाँ है भैया, कहाँ है? वैसे मैंने पहली बार किसी नेदर के पोर्टल को देखा है, रूइन पोर्टल को, तो मुझे आइडिया नहीं है कहाँ हो सकता है। कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? ओके आई थिंक मुझे दिख गया, कुछ भी नहीं। अच्छा छोड़ो, चलो यहाँ से चलते हैं और यहाँ से निकल के फिर मिलती हूँ आपसे 2 मिनट के अंदर। और एक मुझे काफ़ी कूल आइडिया है, वो भी मैं अभी बताती हूँ 2 मिनट में। ओके गाइस, मैं यहाँ तक तो आ गई हूँ, मैं इसके जस्ट नीचे थी और इधर उधर करते करते मुझे दिख भी नहीं रहा था कहाँ है, तो फाइनली मैं आई हूँ। मैं फिर इसे भूल के जा रही थी, तो इसे ले लेते हैं और मेरे पास स्पेस नहीं है। ओके चलो यहाँ चलते हैं, और यहाँ पे मैग्मा ब्लॉक है और यहाँ पे इतना बड़ा घास स्पॉन हो जाता है ना, पूरा एरिया कवर कर लेता है। तो यहाँ से जब इससे पहले कि स्पॉन हो, निकलते हैं यहाँ से। ओके फाइनली यार, ऐसा लग रहा कितने टाइम बाद मैं आई हूँ कसम से। ओके तो चलो अपने उसमें चलते हैं, और मेरे पास एक स्टैक और 3 और हो चुके हैं ब्लेज रॉड, और आई डोंट थिंक इससे ज़्यादा मुझे कभी ज़रूरत पड़ेगी, तो इसको खोलते हैं यहाँ पे और चलो अंदर। और सबसे पहले तो इसे लगाते हैं फर्नेस में, डालते हैं इसे। और हाँ, ये जो ट्रिम है मेरे पास, मैं आप मुझे बताएगा कि ये सारे ट्रिम को मैं एक के लिए अलग आर्मर बना के उसमें उसको स्टैंड में लगा के अलग म्यूज़ियम जैसा कुछ बनाओ। तो अगर आपको ये आइडिया अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मुझे करना चाहिए या नहीं। और तब तक के लिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। और मतलब काफ़ी दूर था फोर्ट्रेस, ढूंढने में काफ़ी टाइम लग गया, तो इसके लिए एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कॉमेंट करके बताइएगा कैसा लगा आपको वीडियो। और बस तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।